क्या कर रहे हैं? ये है गाजर जो बहुत सुंदर सुंदर दिख रहा है। एक होता है पीला वाला गाजर, एक होता है लाल वाला। तो ये लाल वाला गाजर है जो कि आप देख सकते हैं बड़ा बड़ा, और इसको हम अभी कर रहे हैं कद्दूकस। ये देखिए हम इतना सारा कद्दूकस पहले से करके रखे हैं, इसको अभी रिकॉर्डिंग करने का याद आया तो याद नहीं आया, सारा हम किए लास्ट में झूठ मत बोलिए सही सही बोलिए। गाइस ये धीरे धीरे लड़की जैसा कर रही थी, ऐसे ऐसे कर रही थी। लड़की जैसा कैसा होता है? हम लोग का मर्द कहाँ आते हैं ना, देख रही हो जिसको ढाई किलो का हाथ मेरा। ये देखिए कंप्लीट कर लिए हैं। एक सेकंड, इसमें लास्ट में वो मत दीजिएगा। नहीं नहीं अभी है, इसमें है। नहीं नहीं ये बचा हुआ है, वो जड़ है उसको नहीं दिया जाता। इसमें प्रोटीन ज्यादा होता है। प्रोटीन फेंक दीजिए ना, तो उसका पत्ता भी खा लीजिएगा, प्रोटीन है तो। ओ छी छी, उसको निकाल दीजिए ना, मैं बहुत गंदा। चलो ये हो गया, इतना सारा गाजर का हलवा मैं आज अकेला खाने वाला हूँ। इसको बस इतना सा दूंगा, और इतना जो देख रहे हैं ये सारा मैं अकेला खाने वाला हूँ। ये मेरे लिए चैलेंज होगा। मतलब ये टाइम ऑफ ड्यूरेशन फिक्स नहीं है, मतलब दो दिन में भी खाएंगे तो चलेगा, बट सारा खाऊंगा। ये अभी इतना सुंदर लग रहा है, तो जब ये बनेगा तो कितना सुंदर। ये हाथ गंदा गंदा हाथ है यार। नहीं, जो भी अच्छा हाथ है इसको बार बार वो नहीं चलना इसका। खैर गाइस, थक चुके हैं। मर्द है ना लड़की वाला तरीका। मर्द थकता नहीं है काम करते करते। मर्द को दर्द नहीं होता है। क्या हुआ, फेस तो लड़की की तरह लग रहा है। और बोलते हैं कि मर्द ऐसा, तो आप भी लड़की की तरह दिख रहे हैं। अच्छा गाइस बताइएगा कि ये करके जरूर बताइएगा कि हम लड़की की तरह दिखते हैं। ये हमेशा लड़की लड़की बोलते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। लग रहा है ना क्यूट सा, लगता है कुछ, लगता है कुछ पाउडर वगैरह लगा लिए। कुछ कुछ नहीं लगा है, नेचुरल नेचुरल लग रहा है। हम अगर कोई क्रीम व्रीम नहीं लगाते हैं, ये नेचुरल ब्यूटी है दोस्त। आप पर कुछ वाइट वाइट लग रहा है, देखे देखे। अरे वाह, लाइट भागा हुआ है। लाइट आने के बाद बनाएंगे इसको। ये कितना गंदा, ये गाजर का कद्दूकस है। और प्रिया जो है ये चीनी, चीनी नहीं है, चीनी नहीं है। क्या ये, क्या ये सीक्रेट, ये नारियल का बुरादा, नारियल का बुरादा है ये। और ये किशमिश है, और ये काट काट के ये पिस्ता बादाम है, और इधर चार पांच इलायची है। इसके अलावे घी देखिए ना कैसा जम गया है। ये घी है, और प्योर शुद्ध देसी घी में, जो मेरा मतलब ससुराल से आया था ना, ससुराल से आया था। हाँ, वहीं से आया। हाँ, ये ससुराल से आया हुआ शुद्ध देसी घी है। और ये हलवा जो है इसी देसी घी में बनने जा रहा है। ये तो बहुत हार्ड हो गया है, इसको गर्म करना पड़ेगा। नहीं चल रहा है, अरे तो जम गया है देसी घी। थोड़ा सा इसमें घी डालेंगे, घी नहीं गया है। घी गर्म हो गया है, अब इसमें हम गाजर डाल के फ्राई कर लेंगे। सारे हल्का हल्का गोल्डन तो गाइस, गाजर घी के साथ भूनते भूनते आधा वो पक भी गया है। अब इसमें हम
और थोड़ी देर के लिए इसको पकाएंगे और तब नारियल का ये चूरा है। वैसे तो कच्चा नारियल को डालने से थोड़ा अच्छा लगता है उसको फ्राई करके, पर मेरे पास अभी था नहीं तो इसका चूरा डाल देंगे और इसको भी फ्राई करेंगे थोड़ा देर के लिए। इससे क्या होता है कि थोड़ा स्वाद बढ़ जाता है इसमें और थोड़ा सा मुँह पे आने पे अच्छा लगता है। तो साथ में इसको भूनते हैं 5 मिनट के लिए। तो अब लगता है कि अच्छे से फ्राई हो गया है, इसका सेंट भी बाहर आ गया है और ऑयल भी छोड़ दिए हैं। तो अब नहीं भूनेंगे, अब इसमें हम दूध को डाल के पकाएंगे तब ये पूरी तरह से पक जाएगा। और दूध डालने से बहुत टेस्टी बन जाता है गाजर का हलवा, और इसके साथ इसका मलाई भी डाल देते हैं। वैसे चीनी डाल के भी बनता है ऐसे, पर हमको वो अच्छा नहीं लगता है। आपको अच्छा लगता है चीनी डाल के? नहीं, जैसे बहुत को देखते हैं कि चीनी डालता है, दूध नहीं डालता है, और नहीं वो बेकार हो जाएगा फिर। इसमें दूध नहीं रहेगा तो फिर गाजर का हलवा खाने का मजा ही बेकार हो जाएगा। दूध जरूरी है दोस्त, दूध वाला हलवा खाइएगा गाजर का जब भी खाइएगा। तो कलर कैसे चेंज हो गया, अब इस दूध में पकेगा सुगंध भी बहुत अच्छा आ रहा है ना। अभी तो इलायची गला भी नहीं, नहीं इसका जो नेचुरल है ना, इसके नेचुरल जो इसका सुगंध है वो बहुत अच्छा आ रहा है। और इलायची डालोगी तो इलायची का सुगंध इसके साथ आएगा और भी अच्छा लगेगा। अभी इसमें और क्या ऐड करूँ? और धीरे धीरे अभी दूध ही ऐड करेंगे। अभी और दूध ऐड करोगी? हाँ, थोड़ा थोड़ा पका लेंगे, थोड़ा सा दूध जल जाएगा उसमें मिल जाएगा, इसका खोआ बन जाएगा तो और अच्छा लगेगा ना। दूध इसमें ज्यादा लगता है तो थोड़ा सा दूध डाल के दूध को इसी में जलाना है ताकि इसका जो है स्वाद अच्छा है। गाजर जो है दूध के साथ जो है वो बॉयल हो जाए, बॉयल नहीं अच्छे से पक जाए, पक जाए। लेकिन अभी से ही आ रहा है। हाँ, इसका नेचुरल अभी जो मतलब इसके इसका जो नेचुरल सेंट है ना वो बहुत अच्छा है इसके साथ। ठंडा दिन में गाजर का हलवा कैसा लगता है आपको? ठंडा का दिन में ही तो गाजर का हलवा खाने का मन करता है, बाकी गर्मी दिन में थोड़ी मन करता है। गर्मी के दिन में तो गाजर नहीं, नहीं ये सीजन पे सीजनेबल गाजर जो होता है ना उसी का हलवा अच्छा भी लगता है। इतना सारा दूध इसमें जाए, हमको तो अभी से खाने का मन कर रहा है। गाजर कुछ मतलब पानी भी छोड़ रहा है ना इसके अंदर? हाँ नहीं, ये जो दूध डाले है ना, दूध छोड़ रहा है ना, ये चाय बहुत अच्छे से। वैसे मीठा तो हम कम खाते हैं पर ये सब चीज थोड़ा खा लेते हैं। अब इसके साथ इसका खोआ बन गया दूध का, कलर भी चेंज हो गया ना, खूबसूरत कलर दिखने लगा। पर ओरिजिनल कलर तो मोबाइल पे दिख ही नहीं रहा है, सच में बहुत अच्छा लग रहा है। आपका फेवरेट, अब तो दूध डाल के इसको और अच्छे से पकाएंगे। अभी से लालच आ रहा है। तो गाइस जब भी गाजर का हलवा बनाएं तो एक बार आप दूध मत डालिए, एक बार डालिए फिर उसको सुखाइए, इसके बाद फिर दोबारा आप दूध डालिए, तो जो टेस्ट आएगा ना मैं आपको खा के बताऊंगा कितना टेस्ट आता है, कितना टेस्टी बनता है। अभी से ही आप टेस्ट कर रहे हैं। अरे दिखने में कितना टेस्टी लग रहा है, खाने में तो मजा आ जाएगा। चीनी डाल देंगे, ज्यादा मीठा नहीं, ज्यादा मीठा मत करना ठीक है। चीनी, ड्राई फ्रूट भी डाल देते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा पकेगा। इलायची भी डालेंगे लास्ट में और इसके साथ पकना छोड़ देंगे। कलर देखिए ना कितना अच्छा है, गाजर का ही कलर छोड़ देंगे। मीठा होगा,
हो जाएगा, हो जाएगा ना आराम से, क्योंकि हमको चीनी का अभी तक इसको थोड़ा देर ढक के पका देते हैं, तो अभी कच्चा होगा वो पक जाएगा। देखो कितना अच्छा से पक रहा है इसमें, जो भी कच्चा होगा वो पक जाएगा। तो वाओ अब हो गया, कितना अच्छा है। जिसको जिसको खाना है यहाँ आ जाइए, आप लोग के लिए रखेंगे, कल तक रखेंगे। अगर कल नहीं आएंगे तो फिर हम खा जाएंगे। जिसको जिसको खाना है कल तक वेट करेंगे। नहीं नहीं, जिसको जिसको खाना है कमेंट कीजिएगा, उसके लिए हम रख देंगे, पार्सल भी कर देंगे, एड्रेस सेंड कर दीजिएगा। सब्सक्राइबर के लिए इतना तो कर सकते हैं। तो गाइस सपोर्ट कीजिए दिलीप प्रिया को, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और लिंक भी दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। सपोर्ट कीजिए गाइस प्लीज। पक गया है, इलायची डाल देते हैं, और सब मेरे घर दौड़ के आ जाएगा। दौड़ के तो नहीं आ पाएगा क्योंकि काफी दूर है, बट दौड़ के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बन गया, पक गया। गाइस प्रिया सिर्फ मेहनत करती है और इतना ये सीधी है कि अपने फैंस को चैनल को सब्सक्राइब करने भी नहीं बोलती है। तो प्लीज आप लोग, सीधी का बात नहीं है, हम बोलते हैं पर कोई करता ही नहीं। यार कर लिया करो ना, क्या दिक्कत है, फ्री है, कोई पे तो करना नहीं पड़ता है आपको चैनल को सब्सक्राइब करने में, तो कर लिया करो ना। जितने भी घर में लोग है सबको बोलो कि कर ले, और अच्छे अच्छे रेसिपी प्लस अच्छा अच्छा ब्लॉग भी तो आपको देखने मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि मेरा जो भी ब्लॉग अपलोड होता है यूट्यूब पे नोटिफिकेशन के जरिए सबसे पहले आपको मिलेगा। तो गैस को बंद कर देते हैं। रेडी, ला ला ला, जल्दी ला, जल्दी ला, जल्दी ला। रुके 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 रुके, टेस्ट करके तो बताइए। दो 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 टेस्ट करते हैं, देखते हैं प्रिया का इतना सारा मेहनत सफल होता है कि नहीं होता है। ये अभी एक चम्मच खा के हम बताएंगे, सच्ची में बताना। हाँ, सच्ची मतलब रियलिटी वो नहीं, फीडबैक दे। फ्लिपकार्ट पे सामान खरीदे घटिया भी प्रोडक्ट है, फाइव स्टार दे दो। नहीं नहीं वो नहीं, नहीं, नहीं। अच्छा देखो, ये एक चम्मच गरम है, अरे बहुत टेस्टी। जो दो बार दूध डाली ना तो एक दो टेस्टी कैसे हम बता रहे हैं, जो पहला बार जो दूध डाली ना उसके साथ जो ये थोड़ा सा फ्राई हुआ तो उसका सुगंध आ गया इसमें। हमको भी टेस्ट कराइए कैसा बना है, वो आपको फीडबैक में। लो मीठा परफेक्ट, टेस्टी बनने का बस एक ही एक एक और कारण है, दो बार दूध डाली, नारियल प्लस दूध जो दो पार्ट में डाली ना उससे और भी ज्यादा टेस्टी हो गया। तो गाइस अगर आप लोग को खाना है तो जल्दी जल्दी से आइए, कल तक वेट करेंगे आप लोग का। जिसको खाना है रख देंगे, सच में टेस्ट, और अगर झूठा कुछ नहीं। प्रिया बोली है कि जिसको अगर खाना है तो कमेंट बॉक्स में अपना एड्रेस दीजिए, उनको पार्सल करेंगे, तो प्लीज आप लोग कीजिए। पार्सल करवाने का मेरा जिम्मेवारी रहा, अगर नहीं की तो फिर मैं देख लूंगा। बहुत टेस्टी, मजा आ गया, आज मेहनत सफल है। अब मेरा मेहनत का थोड़ा सा आप भी सफल बना दीजिए, भर भर के लाइक दे दीजिए। जरूर जरूर, बहुत मेहनत करती है, बहुत वीडियो वीडियो मतलब
बनाती, बहुत सीरियसली बनाती है। सीरियसली थोड़ा सा सपोर्ट करो और क्या है, जो आप लोग कर सकते हैं दिखा दीजिए सोशल मीडिया का। ओके बाय, आपका कॉल ही आ गया।